नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से बड़ी खबर, 10 बड़ी खबर लेके आया हूँ। टॉप की न्यूज है, सभी को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों अगर आप लोग यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको ये जान लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों रेलवे में क्या क्या बदलाव हुआ है और ट्रेनें कब से चलेंगी और कंफर्म टिकट कैसे मिल सकता है, तत्काल टिकट बुकिंग कराने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों सारी जानकारी 10 बड़ी खबर लेके आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ट्रेन से सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो ऐसे करा सकते हैं बुकिंग। हम आपको बता रहे हैं तरीका। जी हां दोस्तों, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो वे तत्काल टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। सोमवार से टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। टिकट बुक कराते समय यात्रियों को गंतव्य स्थल का पूरा पता भी आरक्षण आवेदन फॉर्म में भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। और दोस्तों आपको टाइमिंग बता दें, तत्काल टिकट में यात्रा की तिथि से 24 घंटे पहले टिकट की बुकिंग होती है। तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए पहले की तरह ही सुबह 5:30 बजे से टोकन लेना है। रेलवे आरक्षण केंद्र पर सुबह 10 बजे से एसी और सुबह 11 बजे से स्लीपर श्रेणी का टिकट बुक कराया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी खबर है, अब आपको कंफर्म टिकट मिल सकता है इस तरीके से। अब ट्रेन में टीटी की जगह आरपीएफ जवान चेक करेंगे टिकट, जल्द हो सकते हैं कई बदलाव। जी हां दोस्तों, रेलवे में बहुत जल्दी जल्दी कई बड़े बदलाव हो रहे हैं इस समय और ये भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रेलवे की खास सर्विस यात्रियों को स्टेशन पर ही दे रही है चादर, तकिया और कंबल। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि रेलवे के गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि आपको एसी कोच में तकिया चादर कंबल नहीं मिलेगा क्योंकि इससे संक्रमण और बढ़ सकता है, आपको खुद ये चीजें लानी होगी। लेकिन अब आप रेलवे स्टेशन पर ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। नया रहेगा, जी हाँ, डिस्पोजेबल चादर और तकिया मुहैया करा रही है रेलवे और इसको आप खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल एसी ट्रेनों में सफर होगा और महंगा, ताजी हवा के लिए यात्रियों को चुकानी होगी कीमत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे की वातानुकूलित बोगियों में लगे रूफ माउंटेड एसी पैकेज प्रति घंटे 16 से 18 बार से ज्यादा हवा को बदलते हैं, जैसा कि ऑपरेशन थिएटर में होता है। पहले इन वातानुकूलित ट्रेनों में प्रति घंटे 6 से 8 बार हवा बदलती थी। जी हाँ दोस्तों, ये बदलाव किया गया है, ये कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ये सारे बदलाव किए गए हैं। 2 डेली स्पेशल ट्रेनें अब साप्ताहिक चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने हावड़ा मुंबई रूट पर चलने वाली 2 डेली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में उन्हें 1 जुलाई से साप्ताहिक चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेनें हावड़ा मुंबई मेल और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस ठहराव उन्हीं स्टेशनों पर होगा जहां 1 जून से हैं। रेलवे के मुताबिक हावड़ा से मुंबई जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब प्रत्येक बुधवार को हावड़ा स्टेशन से रात 8 बजे खुलेंगी और यह शुक्रवार को प्रातः 5:20 पर मुंबई पहुंचेंगी। यह ट्रेन डाउन में शुक्रवार रात 8:35 पर मुंबई से खुलेंगी और रविवार सुबह 5:20 पर हावड़ा पहुंचेंगी, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। अब IRCTC के ऐप से ट्रेन टिकट लेने पर मिलेगा QR कोड, यात्रियों को होगा ये फायदा। जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं क्या फायदा आपको मिलने वाला है। दोस्तों जैसा कि अभी तक आपको पता था कि IRCTC की वेबसाइट से खरीदे गए टिकट पर ही QR कोड जारी होता था, इसके ऐप पर यह सुविधा नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब आपको ये सुविधा मिलेगी, इससे क्या होगा कि बोर्डिंग पास काउंटर की सुविधा में सुधार करते हुए काउंटर पर QR कोड स्कैनर लगा दिया गया है। बुजुर्ग या ऐसे यात्री जो अपने टिकट की जानकारी नहीं दे पाते उनके लिए काउंटर पर एक स्कैनर लगाया गया है। स्कैनर पर यात्री अपना टिकट रख देगा और चेकिंग स्टाफ को यात्री के टिकट की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, ये सुविधा मिल जाएगी आप लोगों को।
एक जुलाई से इस तारीख तक बुक ट्रेन टिकट का पूरा पैसा लौटाएगा रेलवे, जाने रिफंड का नियम। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के पश्चात भारतीय रेल द्वारा जो 115 जोड़ी स्पेशल यात्री गाड़ियां शुरू की गई हैं, वे चलती रहेंगी। रेलवे द्वारा बाकी 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की नियमित टाइम टेबल्ड गाड़ियां की राशि रिफंड करने का फैसला लिया गया है। अब देश में चलाई जाएंगी प्राइवेट ट्रेन, केंद्र सरकार ने मांगे आवेदन। जी हां दोस्तों, रेल मंत्रालय के मुताबिक देश भर के 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। हर निजी ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे। ये ट्रेनें अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। इस परियोजना में करीब 30,000 करोड़ रुपए का निजी क्षेत्र का निवेश होगा। भारतीय रेलवे शुरू करेगा 90 नई स्पेशल ट्रेनें, देखें ट्रेनों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, इन स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए भी रेलवे की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। यानी मुसाफिरों को मास्क लगाकर चलना होगा, उन्हें ट्रेन के अंदर सफाई और स्वच्छता का पालन करना होगा। जी हां दोस्तों, 90 और स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। आपकी सुविधा के लिए ये सारी चीजें चलाई जा रही हैं। आप यहां पे लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी। आपके सामने पूरा लिस्ट है, साफ साफ यहां पे क्लियर किया गया है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए और अपनी यात्रा को सुखद बनाइए। कोरोना संकट, रेलवे ने 15 जुलाई तक इन स्पेशल ट्रेनों को किया रद्द। यहां देखें पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को देखते हुए तमिलनाडु सरकार के आग्रह पर रेलवे ने 29 जून से 15 जुलाई के बीच राज्य के अंतर्गत चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दोस्तों आपके सामने लिस्ट है, आप लोग देख लीजिए। रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू। जी हां दोस्तों, तत्काल टिकट अब आपको मिल जाएगा रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों आपको सुबह 5:30 बजे टोकन मिलेगा, उसके बाद सुबह 10 बजे से आप एसी के लिए तत्काल टिकट बुक करा सकते हैं और 11 बजे आप स्लीपर श्रेणी के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करा सकते हैं। इस तरह आपको कन्फर्म टिकट मिल सकता है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा।